क्वेश्चन है द हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इन ए बैरोमीटर इन ए कलकत्ता लाइब्रेरी वॉज रिकॉर्डेड टू बी 75 सेंटीमीटर। कैलकुलेट दिस प्रेशर इन एस आई एन सी जी एस यूनिट यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6, डेंसिटी ऑफ वाटर 10.3, प्रेशर इज रो जी एच। यहाँ पर मेन बात यह है कि हमें जो प्रेशर निकालना है उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो इसमें बैरोमीटर के अंदर क्या होता है कि जो प्रेशर है वो जब निकालते हैं तो एक बैरोमीटर ट्यूब होती है, और बैरोमीटर ट्यूब के अंदर एक बैरोमीटर ट्यूब के अंदर इसको हम लोग उल्टा करके लगा देते हैं। तो जब उस ट्यूब के अंदर वाटर भरता है यहाँ से, तो जितनी हाइट वो गेन करता है वो कहलाता है प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो इस ट्यूब के अंदर जो भी पानी होगा वो ऊपर लेवल तक आ जाएगा, इस हाइट तक। तो बेसिकली यहाँ पर हम प्रेशर को बराबर कर देते हैं रो जी एच के, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी इंटू जी इंटू एच यही प्रेशर होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फॉर्मूला लगा देते हैं अब हम लोग, इसमें प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी की वैल्यू इंटू हाइट। तो देखिए डेंसिटी उनने हमको दे रखी है 10 की पावर 3, और ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट जो है वो 75 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बाय 100 आप कर दीजिए यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने जो वैल्यू है वो निकाल ली। नाइन पॉइंट एट इंटू 75 की वैल्यू 7.35 आ रही है अप्रोक्सीमेटली। तो 7.35 इंटू 10, सेंटीमीटर को बाय 100 कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली मीटर में कन्वर्ट हो चुका है सेंटीमीटर। केजी ये इसका वैल्यू आ गया। अब यहां पर जो हमें डेंसिटी लेनी थी वो डेंसिटी लेनी थी वाटर की। वाटर की डेंसिटी इसमें मर्क्यूरी फिल है तो मर्क्यूरी की डेंसिटी लेनी थी। तो मर्क्यूरी की डेंसिटी होती है जो क्वेश्चन में दी हुई है 13.6 × 10 की पावर 3। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि वाटर के रिस्पेक्ट में, तो वाटर के रिस्पेक्ट में 13.6 है, तो इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर ये आ गया डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। तो 13.6 × 9.8 × 75 अप्रॉक्सीमेटली 9.9 है ना, जिसको हम लोग 10 लिख सकते हैं। तो 10 × 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये आ गया यूनिट। और अगर इसी को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, सीजीएस के अंदर, तो उसमें सबको अपनी बेसिक डायमेंशन लिखना पड़ता है। तो इसमें है 10 की पावर 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाती है यूनिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।